बाबा मम्मा की कर्म भूमि आबू की धरा वरदानी है, जीवंत कथा माँ की जानो, हमने भी प्रभु से जानी है। जब तक सूरज चंदा नभ में, जब तक सागर में पानी है, याद करेगी दुनिया तुमको माँ तेरी अमर कहानी है। जब तक सूरज चंदा नभ में, जब तक सागर में पानी है, याद करेगी दुनिया तुमको माँ तेरी अमर कहानी है। सुनो अमर कहानी, माँ की अमर कहानी, सुनो अमर कहानी, माँ की अमर कहानी। बढ़ाओ पुकार हुई ब्रह्मा तन में, तब शिव आए, फिर मातृशक्ति से कार्य किया, बिन शक्ति कुछ ना कर पाए। जब पाप बढ़ाओ पुकार हुई ब्रह्मा तन में, तब शिव आए, फिर मातृशक्ति से कार्य किया, बिन शक्ति कुछ ना कर पाए। बहुत पुरानी है, याद करेगी दुनिया तुमको माँ तेरी अमर कहानी है। सुनो अमर कहानी, माँ की अमर कहानी, सुनो अमर कहानी, माँ की अमर कहानी। सुशील सुखर कन्या आई ओम मंडली ओम राधे, विस्मयकारी यह बात बड़ी, राधे पहले ही थी राधे। एक सौम्य सुशील सुखर कन्या आई ओम मंडली ओम राधे, विस्मयकारी यह बात बड़ी, राधे पहले ही थी राधे। बनती फिर राधे, गाती भगवान की वाणी है, याद करेगी दुनिया तुमको माँ तेरी अमर कहानी है। सुनो अमर कहानी, माँ की अमर कहानी, सुनो अमर कहानी, माँ की अमर कहानी। लक्ष्मी कहलाई, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, वाणी की वीणा झनकाई। आई थी खाली हाथों तुम घर, ज्ञान से लक्ष्मी कहलाई, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, वाणी की वीणा झनकाई। दुर्गुण हरणी हे माँ दुर्गे,
झूठी खातिर जग पालक तू जगदम्बे हो गोपाल ब्रह्म जग की पीड़ा पाले थी उफ तक न किया मुस्कान लिए सागर को जैसे संभाले थी 24 जून दिन 65 का सब जग की पीड़ा पाले थी उफ तक न किया मुस्कान लिए सागर को जो संभाले थी हम सब के बीच तुम यही कहीं जैसे अखियों में पानी है याद करेगी दुनिया तुमको माँ तेरी अमर कहानी है जब तक सूरज चंदा नभ में जब तक सागर में पानी है याद करेगी दुनिया तुमको माँ तेरी अमर कहानी है सुनो अमर कहानी माँ की अमर कहानी 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 तीर्थराज अबू पर्वत के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मुझे अपने आप को भी इस आबू पर्वत के निवासी कहने में अत्यंत खुशी है। प्रथम बार मैं आबू पर्वत सन 1960 में आया था। वो आबू आज की अबू हम सभी जानते हैं कि कितनी उन्नति हुई है कितनी हानि हुई है हम सभी ने देखे हैं। परंतु मुझे प्रथम बार जब आबू आया उस समय के जो दृश्य मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। यहां भी पांडव भवन में जब आया पहले पहले मम्मा जी से मिला, इसके बाद मैं पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा जी से मिला। तो जब मम्मा जी से मिला तो मम्मा जी के मुख से
एक शब्द निकला, आप इसको भविष्यवाणी कहिए, दूरदर्शिता कहिए, परख शक्ति कहिए, जो आज के हम माँ अपने बच्चों के बारे में कभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा आगे क्या बनेगा। पूरे जीवन भर आशा रखते देखते रहते हैं कि हमारे बच्चे लायक बने, ऐसे बने, परंतु हमारी माँ पहली मुलाकात में ही मुझे इन्होंने जो शब्द कहा था, भले वो आध्यात्मिक शब्द है, उसका अर्थ हम लोग जानते हैं और वो 100% सत्य, जो आज भी आप सबके सामने आप सबके साथ मैं इस अबू पर्वत पर हूँ। और उन्होंने मुझे यही कहा, ये कलप पहले वाला बच्चा है, इसका अर्थ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमको यही बताया जाता है कि जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान प्राप्त करता है वो कोई प्रथम बार नहीं, हर कल्प, जैसे भगवद गीता में कहा गया था, हे अर्जुन, मैं, तुम और ये सब पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी होंगे। इस अर्थ से ये कहा जाता है कि ये कोई नया आया नहीं है, अपना ही बच्चा अपना ही घर में आया है। तो ये शब्द मम्मा के मुख से पहली बार मैं सुना। वैसे तो जिंदगी भर मम्मा से, बाबा से, दादियों से सुनते आ रहा हूँ, परंतु वो शब्द मैं आज तक भी नहीं भूल पाता हूँ कि मम्मा ने कैसे परख शक्ति, दूरदर्शिता प्राप्त थी उस समय पर ही, सन 1960 की मैं बात कह रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिकली हमने देखा था। और उसके बाद बाबा जी से ज़रूर मिला, बाबा जी के साथ 69 तक रहे, बाबा जी की सभी शिक्षाओं पर हम कार्य करते रहे, पर मुझे ये कहने में नाज है कि जो कुछ भी हम करते रहे, मम्मा जब तक शरीर में थी 65 तक, मम्मा से पहले बात पहले पूछकर फिर हम बाबा से मिलते थे। मम्मा के लिए इतनी श्रद्धा अपने अंदर थी, इतनी भक्ति मम्मा के लिए थी, जो मम्मा ने हमारी आशा ऐसे पूर्ण की, जो मुझे भी आश्चर्य है कि लास्ट समय, जिसको जीवन के इस शरीर के अंतिम के जो 3 मास लगातार, कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं था, किसी स्थान पे भी मम्मा 3 मास रहे ऐसा नहीं था, पर संपूर्ण स्थिति में मम्मा बेंगलोर में हमारे साथ रही। ये मुझे जब भी ये संकल्प, ये दृश्य सामने आता है तो जैसे मम्मा हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो आज आप सबको भी दादी जी ने हार्दिक निमंत्रण दिया है और हम सबको भी हर्ष है कि बाबा के दिन आप सबको बुलाते थे, परंतु इस बार दिलव जान से दादी जी ने पता नहीं कितनी बार हर रोज क्लास में
हम सबको यही कहते रहे, अबू निवासियों को बुलाइए, अबू निवासियों को बुलाइए, एक दिन सबको बुलाइए। आखिर मम्मा के दिन आप सबको बुलाने का मौका मिला। आप सबको खुशी तो है ही, कई हमारे भाई बहनें जिनसे मैं मिलता हूँ वो यही कहते हैं, करुणा भाई बाबा ने तो हमारे अबू को विश्व के कोने कोने तक पहुंचा दिया। आज भी लगभग 100 देशों से भाई बहनें ऐसे आते हैं जैसे अबू ही उनका घर है। इसका कारण ये भी कहते हैं, तो आपकी संस्था में बहुत डिसिप्लिन है, जो आपके कार्यकर्ता है बहुत डेडिकेटेड है। ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये कैसे चल रहा है? आज 10,000 बहनें, डेडिकेटेड बहनें हमारे दादी जी के बच्चे हैं। आपके घर में 1-2 बच्चियां हैं तो आप समझ सकते हो कि कितनी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इतने डिसिप्लिन से ये सारा जो कार्य चल रहा है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? वैसे भी कहा जाता है बच्चों में मां बाप का गुण आता है, कई बार ये कहावत है। तो आप सबको बाबा जी का तो पता ही है, कई यहां बैठे भी हैं कि जिन्होंने बाबा जी को देखे हैं, बाबा अबू में सहर करते हुए उनको देखे हैं। बाबा की जीवन तो आप सभी जानते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा, परंतु सिर्फ बाबा की ही नहीं, आज आपको ये बताना चाहते हैं कि ये संस्था आज इतनी डिसिप्लिन से चल रही है, तो ये डिसिप्लिन किसने सिखाया, किसने इतना डिसिप्लिन जो बाबा कहे वो करे। आज हमारे बच्चे भी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज बाप कहे बच्चे माने, हम सबको मालूम है। परंतु आज ये संस्था में बाबा जो कहे वो हम सब बच्चे करें, ऐसी शिक्षा, ऐसी तैयारी हमको किसने किया? आज इतने दादियां हैं, इन सब ने इतनी डिसिप्लिन कहां से सीखे? तो सचमुच आज हमको ये खुशी है आप सबको बताने में। इस सेना के, रूहानी सेना हम कहते हैं, इसकी सेनापति जो है, आप आज तक ये समझते थे कि भाई बाबा है तो, परंतु बाबा तो हम सबका है, प्रैक्टिकली मम्मा थी, मम्मा को ही हम सेनापति कहते थे, मम्मा के पीछे ही हम सभी एकत्रित होकर अपनी ये डिसिप्लिन, आज ये संस्था इतना एक्यूरेटली चल रही है, तो इसका कारण यही है। तो इसमें मैं सिर्फ, क्योंकि बहुत कुछ आप सुनेंगे, मैं अपने अनुभव के 3 बात मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने कैसे मम्मा से डिसिप्लिन सीखा, जितना समय मैं मम्मा के साथ रहा, मम्मा के मुख से कभी बाबा के सामने बाबा कोई बात कहे और मम्मा कभी उस बात के लिए हां जी के अलावा दूसरा कोई भी शब्द मैंने नहीं सुना। और मैंने भी अपनी जिंदगी में ये पक्का वायदा कर लिया था, भले हम पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है,
दुनिया के सब कुछ हम जानते हैं, दूसरों को बहुत कुछ एडवाइस देते हैं, पर बाबा के सामने जब तक बाबा थे और आज हम दादियों के सामने भी, ना का शब्द क्या होता है वो हम नहीं जानते हैं। वो सही है या गलत है इसका कभी सोचते भी नहीं, क्योंकि बाबा ने इनों को भी निस्वार्थ और निर्मल और विश्व के कल्याण के अलावा और कुछ नहीं। तो ऐसी डिसिप्लिन हमको मम्मा जी से सीखने का हमारे लाइफ में एक मौका मिला। दूसरी बात, मुझे ये भी बहुत खुशी है कहने में, मैं जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया 60 में, ये संस्था पूना तक संदेश पहुंचा हुआ था। दक्षिण में बैंगलोर में एक दादी जी जरूर आए हुए थे, परंतु कोई संदेश वहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नहीं पहुंचा था। परंतु मम्मा जी के 3 मास वहां रहने में, जो उस समय जो बच्चे जन्म लिए, हम कहते हैं ज्ञान के जन्म, पुनर्जन्म कहते हैं इसको, उन द्वारा आज पूरे दक्षिण के, साउथ इंडिया जिसको हम कहते हैं, तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रगति हुई है। जितनी नॉर्थ में हुई है उतनी ही साउथ में सेवा हुई है, तो इसका कारण मम्मा है। और जो बच्चे उस समय मम्मा जी से जो गुण सीखे हैं, तो उन्हीं गुणों द्वारा ही ये सेवा हो रही है। तीसरी, ज्ञान की स्पष्टता। आप जानते हैं दक्षिण में जितने भी जो तत्व है, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शक्ति विशिष्टाद्वैत, भारत के जितने भी जो तत्व है वो दक्षिण से जन्म लिए हैं। ऐसे समय पर एक नई तत्व वहां ले जाना दक्षिण में बहुत कठिन बात थी, परंतु मातेश्वरी जी के जो 3 मास के वहां रहने में, हम सबको मातेश्वरी जी ने हर बात की स्पष्टीकरण, बाबा जी के मुरली अभी भी हम सब सुनते हैं, जो उस समय के सागर जैसा होता है, लहर जैसा होता है, उसमें सब कुछ होता है, परंतु किसी एक बात की स्पष्टीकरण चाहिए, वो बात हमने मातेश्वरी जी से सीखे। जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान की स्पष्टता है, जितने भी किताबें ज्ञान में है, स्पष्टीकरण जिसको कहते हैं, जैसे कर्म की गति, कर्म अकर्म विकर्म क्या है, हर बात की जो प्रश्न हमको उठता तो वो मम्मा उसकी स्पष्टीकरण कर रही थी। जितने दिन उन्होंने भाषण किया, एक टॉपिक पे पूरा समय इन्होंने स्पष्टीकरण देते रहे। तो जो आज इतनी जो विस्तार साउथ में हुई है, तो उसका कारण भी मातेश्वरी जी के ज्ञान, जिनको हम सरस्वती कहते हैं, तो सचमुच वो सरस्वती की जो पार्ट है वो हमने प्रैक्टिकली मातेश्वरी जी से पाए। और भी बहुत कुछ आप सुनेंगे, मुझे यही पार्ट दिया गया था कि हमारे अति प्यारे अति मीठे सभी आबू निवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओम शांति। मैं सामने से अपने आबू निवासी भाइयों को और बहनों को देख रही हूँ, हमें बहुत खुशी हो रही है।
क्योंकि कभी कभी आप सबके दर्शन होते हैं। अब में इतना बड़ा विद्यालय है, दूर दूर से तो बहुत आते हैं और आप सुनते भी हैं, देखते भी हैं, परंतु आप बहुत बिजी रहते हैं ऐसा लगता है। इसलिए आज आपको मौका मिला है तो हम पूरे विद्यालय की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज मम्मा डे है। मम्मा मम्मा कैसे बनी ये मैंने अपनी आँखों से देखा, क्योंकि हम एक ही शहर के अंदर रहने वाले थे और पहले भी मम्मा को देखा था ज्ञान में आने से पहले। तो उस समय में भी उसके वाइब्रेशंस ऐसे थे जैसे कि हमको लगता था ये कोई देवी है। दिल होती थी उनको देखें, स्कूल की लड़कियां मिल करके एक बार उसको ज़रूर देखते थे, पर ये मालूम नहीं था कि आज हम इस रूप से देखती है कल यही हमारी माँ बनेगी और हम उनके बच्चे बन के उनकी पालना लेंगे, ये तो सपन में भी नहीं था। तो अचानक जब ये विद्यालय खुला तो मेरे घर के पास में खुला था, तो बाबा के घर में भी हमारा आना जाना होता रहता था बाल्यावस्था में। परंतु जब शिव परमात्मा ने पिताश्री ब्रह्मा के तन में गुप्त प्रवेशता करके ये कार्य आरंभ किया, तो उन दिनों में मम्मा भी आई थी और हम भी आए थे, तो हमको मम्मा के प्रैक्टिकल कर्म से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती थी। मम्मा की मनसा वाचा और कर्मणा तीनों इक्वल थी। जो उनकी मनसा थी वही उसकी वाचा थी और वही उसके कर्म थे। इतनी स्वीटनेस थी उसके अंदर, इतनी रूहानियत उसके अंदर थी कि हम सब कुमारियों को उसने रूहानियत से सींचा। मीठी मीठी दृष्टि और दृष्टि में हमको लगता था कि कोई रूहानी कशिश है, जो मम्मा को देखते ही हमारे मन में वो भाव पैदा होता है कि मम्मा जैसे हम भी बने। तो हमने देखा देखते देखते वो एकदम बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। तो पहले उनको श्री राधे बोलते थे, नाम राधा था, परंतु उनके लक्षण ऐसे थे, उनसे ऐसे दिव्य साक्षात्कार लोगों को होता था जो सबके मन से निकलता तो ये श्री राधे है। कृष्ण के साथ राधा का गायन है तो मानो ये भगवान की है, और उनके धारणा से सबको बड़ी प्रेरणा मिलती थी। तो हमने देखा कि मम्मा के संग में रहते रहते हम मम्मा जैसे बनने लगे, जो मम्मा की दिनचर्या है उसके पीछे चलने में हमको बहुत खुशी होती थी। तो मम्मा में मनसा वाचा और कर्मणा यज्ञ की सेवा करने का भी विशेष गुण था। मम्मा को एक ध्यान में था कि ये यज्ञ किसका रचा हुआ है, ये परमात्मा का रचाया हुआ ज्ञान यज्ञ है, इस यज्ञ की जितनी सेवा करें उतनी थोड़ी है। तो मम्मा यज्ञ की स्थूल सेवा भी करती थी, यज्ञ की जो भी कारोबार है सब में मम्मा पहले अपना सहयोग देती थी। बस मम्मा ने सहयोग दिया हम उसके साथ चल पड़ते थे, मम्मा को कहने की दरकार नहीं पड़ती थी कि आपको ये काम करना है, अभी आपकी ये ड्यूटी है, ये है, बात ही नहीं थी। मम्मा ने किया और हमने फॉलो किया बस। तो मम्मा की रूहानी पालना ने हम सबको खींच लिया, और जो जो मम्मा की धारणा थी अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक की सारी दिनचर्या हमारे सामने थी और हम साथ में थे। मम्मा की दिनचर्या में हम सब साथ ही साथ थे, मानो मम्मा योग करा रही हैं, मम्मा सामने बैठी हैं और हम सब मम्मा के सामने बैठे हुए हैं। मम्मा नीचे उतरती हैं, ऊपर में रहने का स्थान था, जब उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फरिश्ता उतर रहा है। बार बार दिल होता था मम्मा को ऐसे उतरते हुए देखें जैसे बरोबर कोई फरिश्ता उतर रहा है। फिर मम्मा का प्यार भी ऐसा था जैसे माँ का प्यार होता है ना, परंतु माँ के प्यार में ममता होती है और मम्मा के प्यार में रूहानियत थी। तो ऐसे चलते फिरते ऐसा बोलती थी, ऐसा माथे पर हाथ घुमाती थी तो जैसे करंट फैल जाती थी। सारा दिन नशा रहता था, खुशी रहती थी। फिर मम्मा के साथ साथ दिनचर्या में जो भी थे पढ़ाई की बातें हैं, हम देखते थे तीन तीन चार चार बार एकांत में बैठ करके कुछ मनन चिंतन करती हैं। अगर पढ़ाई करती है तो रुचि से उस पढ़ाई में से भी
ज्ञान को अच्छी तरह से गहराई मिल जाती है। तो मम्मा के इस पढ़ाई के कारण भी हम लोगों में पढ़ाई का शौक, ज्ञान का, जो बाबा के डिस्कोर्स सुनते थे, महावाक्य सुनते थे, उसके ऊपर कैसे हम मनन चिंतन करें। तो मम्मा करती थी, हम देखते थे एकांत में मम्मा बैठी है, यहाँ से गई मम्मा वहाँ बैठी है, बस एकांत में खो जाती हैं। तो हमको भी दिल होती थी, रुचि होती थी कि मम्मा एकांत में बैठ के क्या करती हैं। फिर हम मम्मा से पूछते थे तो मम्मा बहुत स्पष्ट शब्दों में सुनाती हैं। ज्ञान सुनना ही नहीं होता है, परंतु ज्ञान को धारण करके फिर वो धारणा का स्वरूप मिलाना है। तो मम्मा पढ़ाई को गहराई में ले जाती हैं। तो आप बच्चों का भी काम है अपना टाइम वेस्ट न करना और समय को सफल करना, और जो टाइम मिले वो एकांत में बैठ करके मनन और चिंतन करना। चाहे मम्मा लिखती थी, चाहे मम्मा पढ़ती थी, चाहे हमारे साथ यज्ञ में मिलकर के यज्ञ का काम करती थी। यज्ञ में इतने 200-300 भाई बहनें रहती है, तो भोजन भी तो इतना ही बनेगा, सब्जियां भी इतनी कटेंगी, तो सबसे पहले मम्मा सैर करके आके सब्जी पर बैठ जाएंगी, किसी को कुछ बोलेंगी नहीं, खुद बैठी उसको देखा और हम सब बैठ के सब्जी काटने के लिए एक आधा घंटे के अंदर सब्जियां पूरी हो जाती। फिर रोटी बेलने का टाइम आता है पकाने का, मम्मा एक्यूरेट टाइम पर भंडारे में पहुंच जाती, हमें पता लगा मम्मा गई है भंडारे में, हम मम्मा के पीछे पीछे चले जाते थे। तो मम्मा के कर्म में इतनी पावर थी, मुख से कुछ नहीं बोलती थी पर उनके कर्म में इतनी शक्ति थी कि उसको हम सहज ही फॉलो कर सकते थे। तो मम्मा प्यार की मूर्त थी। कभी कभी हम छोटे बच्चे छोटे ही छोटे आए थे, थोड़ी थोड़ी भूलें भी करते थे, तो प्यार से बुला करके प्यार भी करती हैं और शिक्षा भी देती हैं। तो शिक्षा नहीं लगती थी हमको, हमको लगता था मम्मा प्यार कर रही हैं। तो मम्मा की शिक्षा भी इतनी अच्छी लगती थी कि जैसे भूल हो जाए ना तो हम कहते अच्छा है भूल करेंगे, कम से कम मम्मा से तो मिलेंगे ना, मम्मा तो हमसे मिलेंगी ना। तो मम्मा के प्यार में इतनी कशिश थी और शिक्षाओं में भी मम्मा का प्यार समाया हुआ था, इसलिए मम्मा ने हमको अपने दिनचर्या में ऐसे एक्यूरेट चलाया जो हम मम्मा के साथ साथ बिल्कुल उसी दिनचर्या में हम चलते रहे। तो आज आप सब आबुनवासी भाई बहनों को सुनाते हुए हमें हर्ष होता है कि ज्ञान सुनाना भी मम्मा ने सिखलाया, कैसे जा कर के लोगों का कल्याण करना है, कैसे सबको भगवान का ज्ञान सुनाना है, ज्ञान सुनाने की विधि भी कौन सी होनी चाहिए। पहले ज्ञान को स्वरूप में तुम खुद लाओ, स्वरूप में टिक करके फिर दूसरों को ज्ञान सुनाओ। तो मम्मा ऐसे बोलती थी, एकदम जैसे मम्मा को ज्ञान और योग दोनों मम्मा के चेहरे से दिखाई पड़ता था। इसलिए हम वो सेवा दे करके मम्मा की बाहर में भी गए, कभी मम्मा के साथ कोई बेंगलोर में गया, कोई पंजाब में गया, अमृतसर के तरफ गए तो मम्मा जहाँ जहाँ दिल्ली में गई वहाँ वहाँ हम बच्चों को मम्मा के साथ में रहने का मौका मिला। तो पब्लिक के बीच में भी मम्मा कैसे बोलती हैं और मम्मा से मिलने आती है वो कितने परसेंटेज होके जाते हैं, क्यों? क्योंकि मम्मा पहले रूहानी दृष्टि देती हैं, रूहों को देखती हैं, फिर रूहों को पढ़ाती हैं, परमात्मा का ज्ञान रूहों को बैठ पढ़ाती है, तो खुद रूहानियत में रह करके फिर दूसरों को पढ़ाती हैं, उस पढ़ाई में ताकत होती है और सीकर में मम्मा के बच्चे बन जाते, उनको निश्चय हो जाता है। हम कहते वही ज्ञान हम सुनाते हैं, परंतु उनको इतना जल्दी तो निश्चय नहीं होता है। मम्मा के सुनाने में क्या ऐसी ताकत है, मम्मा सुनाती है वो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, क्योंकि जो निश्चय बुद्धि होगा वो दूसरे को निश्चय बुद्धि बनाएगा, जिसका खुद का योग परमात्मा से होगा वो दूसरे को सहज योगी बना लेगा, यज्ञ के प्रति प्यार होगा तो दूसरे को उनके कर्म से भी पता लगेगा इनका यज्ञ के प्रति कितना प्यार है। यज्ञ का कणा दाना भी नुकसान न हो, यज्ञ का कणा दाना सफल हो जाए, परंतु यज्ञ का कणा दाना जो भगवान के यज्ञ में स्वाहा करते हैं उनकी बहुत कीमत है, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो श्वास, संकल्प, समय सब मम्मा ने सफल करके दिखाया, अंत तक हम देखते रहे कि जैसे मम्मा ने सफलता का एक दृढ़ संकल्प है मम्मा के पास, हर चीज़ सफल हो, समय भी हो तो श्वास भी हो, और जो कुछ परमात्मा से मिला है वो ज्ञान हमारा हमारे पास न रहे परंतु उसके द्वारा दूसरों की जीवन बने, दूसरों का कल्याण हो,
तो कल्याणकारी भावना में सदा रहती थी, इसलिए मम्मा को देख करके हम बच्चे भी बहुत कुछ सीखे। तो मम्मा की कितनी बातें हम आपको सुनाएं, अथाह है, लेकिन अभी समय के अनुसार हमने चंद शब्दों में आपको ये बातें सुनाई है। ओम शांति। कल्याणकारी, मंगलकारी सर्व आत्माओं के, पारलौकिक पिता की प्रिय संतान, बहनों और भाइयों, आज हम प्यारी जगदम्बा सरस्वती के संस्मरण सुन रहे हैं। मैं पहली बार 1955 में माउंट आबू में इस आश्रम में आई। मैं 14 साल की थी, छोटी थी, लेकिन मेरा कोई पूर्व जन्म का संस्कार कहें जो मुझे इस ज्ञान में भी लाया और माउंट आबू भी लेकर आया। और मैं बिल्कुल कोरा कागज थी, सिर्फ ये पता था कि भगवान ब्रह्मा बाबा के तन में ये ईश्वरी ज्ञान, ये सहज राजयोग की शिक्षा दे रहा है। करीब 2 साल में आश्रम पर भी लखनऊ में आती जाती रही, क्योंकि मैं लखनऊ की हूँ। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मधुबन में मम्मा बाबा से मिलूं। तो जब मैं पहली बार आई और मैंने मामा और बाबा को देखा, तो मैंने विचित्र अनुभव किया कि लाइट के ओरा में मामा और बाबा इतने अव्यक्त रूप में मीठी दृष्टि देते हुए मिल रहे थे। मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ आ गई हूँ, को फरिश्तों की दुनिया में आ गई हूँ, जो उस दुनिया से बहुत न्यारी है। मैं आई तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, पर ये जरूर था कि ये ज्ञान निराला है। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा बच्चे, आप इसको 7 दिन का लेसन दो, ज्ञान दो। तो मामा, तो बाबा की हर आज्ञा को जी बाबा, और मुझे कहा कि आप मामा से 7 दिन का लेसन सीखो, क्योंकि बाबा को छोटे बच्चों पर विशेष प्यार भी था और ये समझते थे ये छोटे छोटे बच्चे जब बैठ के किसी को ज्ञान देंगे तो उनके अंदर ये सवाल उठेगा कि जब ये छोटे बच्चे इतने ज्ञान देते हैं तो इनके माता पिता कैसे कितने ज्ञानी तू आत्मा होंगे। तो मम्मा तो हमारी बड़ी ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी और इतनी सहज रीति से 3 दिन में मम्मा ने मुझे 7 दिन का कोर्स करा दिया। और जब मामा हमें कोर्स कराती थी तो रोज़ बाबा रात में हमने क्या पढ़ा, मामा ने हमें क्या पढ़ाया, इसका पेपर लेता था। तो रात्रि की क्लास में एक तरफ बाबा बैठता था, एक तरफ मामा बैठती थी और बीच में मुझे बिठाता था कि आज तुमने कौन सा लेसन लिया है वो सुनाओ। तो मैं सुनाती थी तो बाबा बहुत खुश होता था कि जैसे ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञानी तू आत्मा मम्मा है, तो मम्मा ने इस बच्ची को भी अच्छा
अच्छा सिखाया है और इस बच्ची ने भी बहुत जल्दी सीखा है। तो इस तरह से मम्मा ने हमें ज्ञान सिखाया, फाउंडेशन लगाया और योग का अभ्यास कराया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मम्मा ने कहा कि योग से विकर्म विनाश होते हैं, योग से कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कर्म बंधन से मुक्त हूँ, मेरे माता पिता मेरे को कोई बंधन नहीं डाले। तो मैंने बहुत योग लगाना शुरू किया, रात में भी उठ के योग लगाती थी, जब समय मिलता था तब बैठ के योग लगाती थी। तो उससे मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। और मम्मा एक वात्सल्य की इतनी ममता में मूर्त थी कि मम्मा ने मेरी पालना इतने प्यार से की जो मैं समझती मेरे लौकिक माँ बाप ने भी इतने प्यार से मेरी पालना नहीं की होगी। कभी कोई गलती हो जाएगी तो माँ बाप तो डांट भी देंगे और कह भी देंगे, लेकिन मम्मा ने कभी भी कोई छोटी मोटी भूल हो गई लेकिन कभी डांटा नहीं, कभी कहा नहीं, प्यार से समझा दिया, एक इशारे से बता दिया कि ये ऐसा है। तो मम्मा का इशारा, मम्मा का प्यार और मम्मा के दो बोल ऐसे होते थे जो हमारे जीवन में हमारे संस्कारों को परिवर्तित कर देते थे। तो इस तरह से मम्मा ने मेरे को शिक्षा भी दी, पालना भी दी और मुझे भाषण करना भी सिखलाया। एक बार मैं दिल्ली में मम्मा के साथ गई तो मम्मा ने कहा कि पहले भाषण तुम करना, उसके बाद मैं करूँगी। मैंने कहा मम्मा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है और इतने आदमियों के सामने मैं कैसे बोलूँगी। मम्मा ने कहा कि तुम इनको देखना नहीं, इतने आदमी हैं, तुम इनको आत्मा देखना, बिंदी बिंदी है तो तुम्हें इतना थोड़ी लगेगा ये बड़े हैं या बूढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं या कैसे हैं, तुम आत्मा देखना। तो कहा पहले तुम भाषण तैयार करो कि तुम क्या बोलेंगी। तो फिर मैंने भाषण लिखा आत्मा पर और आत्मा पे भाषण लिख के मम्मा को दिखाया। मम्मा ने उसमें कोई करेक्शन की और फिर शाम को भाषण था, मैंने भाषण किया। अब भाषण करके पूरा किया तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा मैंने ठीक किया? तो मैंने कहा, मम्मा ने कहा भाषण तो ठीक किया लेकिन फ्रंटियर मेल चला, मतलब बड़ी फास्ट स्पीड से चला, तो स्पीड थोड़ी स्लो होनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना तो धीरे धीरे बोल के करेंगे। तो इस तरह से मम्मा कराती भी थी, साथ में परफेक्ट बनाने के लिए इशारा भी देती थी। तो इस प्रकार से छोटे 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 टॉपिक पर हम लिखते थे और मम्मा उसको करेक्शन करती थी, फिर भाषण करना सिखाया। तो इसी रीति से मम्मा ने हमको भाषण करना भी सिखाया, पालना भी दी। और आप समझते हैं कि मम्मा तो हमारी सर्वगुण संपन्न थी, थोड़ी भी कमी किसी बच्चे की वो देख नहीं सकती थी। तो एक बार की बात है कि बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा बच्ची आप फलानी पार्टी जा रही है ना, उसके लिए आप हलवा बनाओ, साबूदाने का हलवा, और साबूदाने का हलवा बनने में बड़ी मेहनत लगती है। तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा ये तो अभी जाने वाले हैं, इतनी जल्दी आप बना लेंगी? तो मम्मा मुस्कराई, बोला बाबा ने कहा तो बनाएंगे। मम्मा बनाती रही, मैं दौड़ के आई, फिर आके देख जाऊँ कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, फिर आके मम्मा को कहूँ मम्मा वो तो वहाँ तक पहुँच गए, हलवा तो बनेगा नहीं। मम्मा बनाती जाए, फिर मैं आई, मैंने कहा मम्मा वो तो चले गए, अभी हलवा कौन खाएगा, अभी छोड़ दो। मम्मा ने कहा नहीं, बाबा ने कहा मैं बनाएगी। बाबा भी चक्कर लगा के आए तो देखा मम्मा हलवा बना रही है। तो मम्मा ने पूछा कि बच्ची हलवा बन गया? बोला बाबा बन रहा है। अच्छा, थोड़ी देर में हलवा बन गया तो बाबा ने कहा कि देखो ये हलवा लेकर बस स्टैंड कौन जाएगा? तो हमारे भाई लोग खड़े हुए थे तो उन्होंने एक ने कहा मैं जाऊंगा। बाबा ने एक डब्बे में हलवा डाला, फिर उसको थैले में, उस समय ना बस थी ना कोई और चीज़ तो होती नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था।
तो वो भाई दौड़ा दौड़ा पैदल जाके जब असिस्टेंट के नज़दीक पहुंचा तो बस खिसक गई, रवाना होने वाली थी, तो वो जोर से आवाज़ तो निकले नहीं क्यों हाँफ रहा था, रोको रोको ऐसे हाथ हिला के रोको रोको, बस वाले ने कहा पता नहीं क्या है इसके थैली में रोको रोको कर रहा है, तो बस वाले ने रोक दिया। फिर वहाँ पहुँचा तो पार्टी का भाई बाहर निकला तो उसने कहा बाबा ने आप लोगों के लिए हलवा भेजा है। अरे बस कंडक्टर बोला हलवे के लिए तुमने मेरी बस रोक दी? तो कहा अरे इस हलवे को किसने भेजा और किसके लिए भेजा और किसने बनाया ये तुम क्या जानो। वो जब पार्टी नीचे अबू रोड पहुंची तो सचमुच उनका दिल बाबा के मामा के प्रति प्यार से गदगद हो गया। उन्होंने कहा बाबा मामा हमको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जो हमारे लिए यहाँ तक हलवा बना के भेजा। तो उन्होंने नीचे से ही एक भरे दिल से बाबा को मामा को पत्र लिखा और ये उनको प्रेरणा इतनी मिली कि उन्होंने कहा कि आज के बाद मेरा जीवन जो है ना इन मामा बाबा की पालना के अंदर ही चलेगा। उस दिन से लेकर आज तक वो पार्टी जो है वो ज्ञान में चल रही है, दिल्ली की थी और बाबा मामा के प्रति उनका अति प्यार अगाध स्नेह। तो मामा का व्यक्तित्व, मामा की वाणी, मामा के नयन इतने प्रभावशाली थे कि एक बार अगर मामा से कोई मिल लेता था तो जीवन भर वो मामा को नहीं भूल सकता था। तो मामा का एक बार मामा के सामने जाना और अपनी बात को कमिट कर लेना सारे जीवन के लिए उसके लिए की यादगार बन जाती थी कि दोबारा मैं कभी भी इस प्रकार की भूल नहीं करूँगी। मैं तो बहुत छोटी थी, छोटी छोटी भूलें तो मैं रोज ही करती रहती थी और रोज ही मैं पकड़ी जाती थी और जब मामा के सामने लाई जाती थी तो मामा मैं यही कहती थी मामा मुझे तो मालूम नहीं इसको भी भूल कहते, ठीक है दोबारा मैं भूल नहीं करूँगी। हमको यही नहीं पता तो भूल किसको कहते हैं और यहाँ तो ज्ञान था ना, इसलिए छोटी छोटी बातें भी सामने आ जाती थी कि ये भूल है। तो मम्मा ने हमारी छोटी छोटी भूलों को भी, छोटी छोटी आदतों को भी एकदम समाप्त कर दिया और मम्मा ने एक ऐसा जीवन दिया, एक ऐसी प्रेरणा दी जो मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपना जीवन मम्मा जैसा ही बनाऊंगी, मम्मा को ही फॉलो करेंगी। तो जब मैं वापस अपने परिवार में गई मेरे सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ आईं, कई प्रकार के ऑब्स्टिकल आए, प्रॉब्लम्स आईं, लेकिन मामा की मूर्ति, बाबा की मूर्ति मेरे सामने सदा आ जाती थी और वो मुझे इतनी प्रेरणा बल देती थी जो ऐसे पार हो जाती थी तो पता ही नहीं चलता था। मुझे नहीं लगता था कि मुझे कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है या कुछ नहीं, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। मेरे इतने दृढ़ संकल्प ने ही मेरे को हर बात में सफलता दिलाई। तो मैं ये देखती हूँ कि ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को स्वरूप में लाया और मामा ने कभी भी किसी भी बात में जो बाबा ने कहा मामा ने सदा हाँ जी कहा। मामा ये नहीं कहा कि पुशारत करेंगे, जैसे हम बच्चे कह देते हैं अरे बाबा ये तो मुश्किल है पुशारत करेंगे लाडकोट में प्यार से, ऐसे कहते थे। लेकिन मामा ने कभी बाबा को ऐसे नहीं कहा कोशिश करेंगे पुशारत करेंगे, कुछ नहीं। जो कुछ होता था मामा कहती जी बाबा जी बाबा। तो मैंने मामा को कहा मामा समय तो होता नहीं है, हो तो सकता ही नहीं है, आप बाबा को कह देती जी बाबा कैसे करेंगी। तो मामा ने मेरे को समझाया कि देखो आप लोग तो लाड प्यार से सहज रीति से बाबा ऐसा है ऐसा है, लेकिन मामा बाबा को उसी रूप से देखती है कि बाबा जो है जैसा है वैसा मामा देखती है कि भगवान के मुख से जो निकला वो तो होगा, वो नहीं जानता ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, वो वही काम कहेगा जो मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए बाबा वो मामा वो शक्ति थी को जो कहते नहीं है कि बादल के जो मोती निकला सीप में पड़ा वो मोती बन गया। तो बाबा के मुख से जो निकला मामा की बुद्धि ने धारण किया वो ज्ञान मोती बन गया।
रतन बन गया और उस रत्नों को मामा ने हर आत्मा को लुटाया, बनाया, सिखाया और ऐसा गढ़ा जो मामा ने कहा कि देखो एक एक बच्चा ऐसा दिव्य मूर्ति दिखाई दे, उनको भी प्रेरणा मिले कि मैं भी अपना जीवन ऐसा बनाऊं। तो मामा के साथ में रह के छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो मामा ने हमें सिखाई, मामा ने पढ़ाई, मामा ने हमें बताई, जो आज मेरा जीवन इतना श्रेष्ठ सफल है, जो मैं इस विश्वविद्यालय में आगे बढ़ती जा रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे आबू निवासी भी यहाँ पर आए हैं। वैसे कहते हैं कि गंगा के किनारे रहने वालों को गंगा की इतनी कदर नहीं होती है जितनी बाहर से आते हैं श्रद्धा और भावना से। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आप श्रद्धा और भावना से मातेश्वरी के आज इस स्मृति दिवस पर यहाँ पर आए हैं और कुछ न कुछ लाभ लेकर जरूर जाएंगे, ऐसी मेरी आकांक्षा है, शुभेच्छा है। और अब मैं थोड़े समय के लिए, चंद मिनटों के लिए आप सबको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूँगी जिसको रूहानी यात्रा कहते हैं, अंतर मन की यात्रा कहते हैं, अंतर जगत की यात्रा कहते हैं। तो आप लोग सहज रीति से जैसे बैठ सके 3 मिनट के लिए वैसे बैठे, कोई हिले डुले नहीं, कोई जैसे सहज बैठ सके वैसे बैठे 3 मिनट के लिए, है ना। कोई हिलना डुलना नहीं, कोई उबासी नहीं देना, कोई आंखें नहीं बंद करना, है ना। वो सामने बिंदु है ना, उस पर अपने आँखों को एकाग्र करें, मन को एकाग्र करें। और जैसे मैं कहूँ मेरे साथ साथ आप भी अपने मन के संकल्पों को ऐसा ही बनाते चलें तो आप भी इस अलौकिक जीवन के सुख शांति का सहज अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। थोड़े समय के लिए इस शरीर रूपी वस्त्र को किनारे कर दीजिए। इस व्यक्त भाव से, व्यक्त दुनिया से स्वयं को न्यारा बना दीजिए। मन को संकल्प दीजिए, मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा, मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी। ये शरीर आत्मा का वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है, चोला है। ये सारी सृष्टि एक रंगमंच, खेल का मैदान है जहां पर मैं आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप के शरीर धारण कर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पाठ बजा रहे।
मुझ आत्मा का स्वधाम निज धाम इस चांद सितारों की दुनिया से इस नील गगन की छांव से इस साकार लोक से दूर बहुत दूर आकाश तत्व से भी परे एक रक्तिम आभा लिए हुए अखंड ज्योति माता तत्व जो हम सब आत्माओं का घर है मन के संकल्पों को समेट कर हल्की आत्मा बन इस महत्त्व में प्रवेश कीजिए ये हमारा परम धाम शांति धाम मुक्ति धाम परलोक हम सब आत्माओं का घर है जहां हम सब आत्माएं अपने पारलौकिक पिता के साथ शिव पिता के साथ निवास करती है मन की आंखों से देखिए चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश शांति ही शांति है अद्भुत शांति परम शांति इस शांति धाम हम सब आत्माओं का घर है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ आनंद स्वरूप हूँ प्रेम स्वरूप शक्ति स्वरूप सत चित आनंद स्वरूप मुझ आत्मा का स्वधर्म पवित्र और शांत है अपनी स्वधर्म निष्ठित आत्मा अपने घर से इस साकार सृष्टि में साकार शरीर में
प्रवेश हूं। अपने स्वरूप का अनुभव, अपने अशरीरीपन का अनुभव, आत्मा कर अपने शरीर साकार रूप में वापस आ रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम शांति। एक बार सभी हमारे साथ प्रेम से बोलो, ओम शांति, ओम शांति। आज हमें बहुत खुशी है जो मम्मा के स्मृति दिन पर हमारे अबू निवासी अनेक भाई बहने पहुंच गए हो और काफ़ी समय सुना भी, भोजन का भी टाइम हुआ है, तो हम थोड़ी आप सबको साथ ले एक छोटी स्टोरी सुनाऊं। आप सभी को पहले तो ये परिचय देते कि मम्मा हमारी क्लास फेलो थी। अब मैं आप लोगों को 1937 की आज की थोड़े शब्दों में हिस्ट्री सुनाती मामा के साथ। हम मामा सिंध हैदराबाद के हैं, परंतु 37 में मम्मा बॉम्बे से पधारी, क्योंकि मम्मा की पढ़ाई बॉम्बे हुई थी। बॉम्बे में मम्मा एक तो डांसिंग गर्ल थी, दूसरा सिंगर थी, गाती थी बजाती थी, तीसरा इतना ही मामा मॉडर्न थी, बहुत मॉडर्न थी। इसलिए सिंध में मामा को कहते थे राधे हठिली, मामा का नाम राधे था। तो इतनी मॉडर्न बहन स्कूल में साथ पढ़ी मैट्रिक, और दोनों के बीच बहुत फर्क था। जितना ही मम्मा मॉडर्न उतना ही हम सिंपल, पर एक ही क्लास के थे, पर मम्मा का बहुत हमसे प्यार था, दोनों सहेलियाँ। तो बात यह है कि हम जब वो मंडली में आई, अब मैं ओ मंडली की सुनाती शायद सुनाऊंगा, ये ब्रह्मा कुमारियों का पहले नाम ओ मंडली। तो मम्मा जब ही
वो मंडली में आई, अभी शुरू शुरू थी, तो बिल्कुल मॉडर्न कोई के साथ नहीं। अजब लगता था कि ऐसी मॉडर्न बहन यहाँ सत्संग में कैसे पहुँची। परंतु ये एक वंडर था, मम्मा पहले ही दिन आई और ऐसा मम्मा को बाबा ओम की धुनी बोल रहा था, वो ऐसा लगा जो मम्मा ने उसी घड़ी ही देख के ये निर्णय लिया कि मैं तो अब इस ओम मंडली में आती रहूँगी। और आई, 3 दिन के अंदर मैंने देखा मम्मा में ऐसा परिवर्तन, तो जितना मम्मा हठीली राधे थी, जितनी मॉडर्न थी, उतनी मम्मा बिल्कुल 3 दिन में परिवर्तन हो सिंपल बन के आई। और कहे बा कि मेरा विचार है मैं ओम की धुनी बोलूं। बोलो, इतना स्वीट ओम की धुनी बोली जो सबको मोहित कर दिया। और वो ओम की धुनी मम्मा की आगे बढ़ती गई। ऐसा वंडर होता था मम्मा ओम की धुनी करे, और कहीं भाई बहने जो सच में आए वे ध्यान में चले जावे और ध्यान में देखे ये राधे, नाम था मम्मा का राधे, ये राधे अनु राधे है, ये वही राधे है जो कृष्ण के साथ है। तो बहुतों को मम्मा का राधे रूप में साक्षात्कार होने लगा, जबकि अभी मम्मा नई नहीं थी। वंडर ये था कि मम्मा ने अपने में 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन आई, जितनी मॉडर्न थी उतनी मम्मा सिंपल बन गई। लोग देखते ही अरे होते थे, उतना ही मम्मा स्वीट थी, बहुत स्वीट थी। पर इतना ही नहीं, मम्मा 3 दिन में ऐसा योग लगाया जो खुद भी तपस्या में बैठे तो उड़ जावे, तो दूसरे भी मम्मा को देखे ट्रांस में चले जाए। और ये साक्षात्कार होवे कि ये तो राधे है, ये तो सरस्वती माँ है, ऐसे करते मम्मा आगे बढ़ती गई। लंबी कहानी क्या सुनाऊं, बताया हमारी क्लास फेलो, हमारे देखते देखते मम्मा में ऐसी शक्ति आई जिसका मैं क्या वर्णन करूं। बिल्कुल मम्मा जगत अम्बा, शक्ति, सरस्वती, राधे आदात का प्रैक्टिकली अनुभव सबको होता था, ऐसा होता था जो मम्मा के सामने आके 3 मिनट बैठे वो ट्रांस में चला जावे। तो इतनी थी मम्मा की क्या कहानी, त्याग उतनी थी तपस्या। पर हमारी तो फ्रेंड थी, पर हमारा ही वो सचमुच परिवर्तन हो गया कि अभी ये
राधे वो राधे नहीं है, पर ये तो वो राधे है जिसका कृष्ण के साथ गायन है, अथवा ये वो अब्बा माँ है जिसका देवियों में पूजन होता है, ये सरस्वती माँ। ऐसा ममा का त्याग तपस्या से सारी जीवन अगर बहुत बहुत तो एक सप्ताह में परिवर्तन हो गए, ऐसे लगा कि जैसे भगवान ने कोई ममा को स्पेशल भेजा है। तो वो वंडर थी, और फिर भी ममा का हमारे साथ में बहुत गुड फ्रेंड था, इसलिए हम तो साथ में क्लास में रहते थे, बैठते थे, उठते थे। और फिर इतना ही ममा ने एक ही सप्ताह में निर्णय किया कि मैं तो सची, उस टाइम ब्रह्मा कुमारी नाम तो नहीं था, परंतु हम ओम राधे हो उसमें जीवन सफल करूंगी। फिर ममा को सब ओम राधे कहने लगे। तब कहा विशेषता ये थी कि जो ममा के सामने आवे, इतनी आकर्षण शक्ति जो ध्यान में ट्रांस में चला जावे। इसलिए जो भी लौकिक माँ बाप ये वो सब था, सब ममा ने एक हफ्ते के अंदर सब कुछ त्यागा, और फिर इस ईश्वरी सेवा में बोर्डिंग शुरू हुई, उसमें सरेंडर हो गई। तो ममा अब फिर हम ममा के साथ, ममा हमारे साथ, इसलिए हमारे तो पहले दिन आदि से ही ममा के साथ ही बिताया, अंत में भी ममा। तो ममा मुझे हमेशा, हम ममा कहूँ ममा कहे नहीं, तुम तो मेरी फ्रेंड हो, रहती थी, बुलाती थी, साथ रखती थी जैसे सहेली हो, क्लास फेलो हो, परंतु हमारे लिए तो ममा। परंतु देखा ममा इतना होते करते भी बहुत बहुत त्याग तपस्या सेवा की मूरत थी, तो ममा थी। त्याग सीखो तो ममा, तपस्या करना सीखो तो ममा। तो त्याग तपस्या से ममा इतनी महान ऊंची बन गई। तो आज मुझे खुशी है ऐसी ममा जिसने अपनी जीवन 37 से इस यज्ञ में ही समर्पण कर रही, और आज 38वीं स्मृति दिवस है जिस पर आप सबको निमंत्रण मिला है। ऐसे स्मृति दिन पर हमारे अबू निवासी पहुँचे हैं, तो मुझे इसलिए डबल खुशी है। परंतु ये ज़रूर कहेंगे कि ममा की जो शिक्षा है कि बस एक शिव परमात्मा को याद करो और नष्टो मोहा, ये जो बाकी दुनिया के मॉडर्न फैशन मोह ममताएँ, इनसे अपने जीवन को परिवर्तन करो, तो बहुत सच्ची आप लोगों को भी ये योगी जीवन प्यारी जीवन लगेगी। इसके साथ हम फिर कहेंगे, जास्ती तो मैं नहीं सुनाती, टाइम हो गया है भोजन का, परंतु मुझे खुशी है कि आज ममा के स्मृति दिन पर हमारे सारे अबू निवासी काफ़ी लोग आए हो, और सभी प्रेम से
मम्मा भोजन खाएंगे, बाकी आप सबको मम्मा के अनेक 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 गुण है, जिसकी थोड़े में एक चौपड़ी छपी है, एक जो आप सबको आज मिलेगी। ये है मम्मा की शिक्षाओं, मम्मा के गुणों की, मम्मा के जीवन की प्यार की। मैंने कभी जीवन में मम्मा को, इतने साल साथ रहे, कभी मम्मा को अनेक बातें कहूँ, पर कभी न मम्मा गुस्सा किया, न कभी मम्मा उदास हुई, न कभी मम्मा सुस्त हुई। 2 बजे रात को निरंतर उठना और 2 घंटा पक्का योग करना, ये एक मम्मा की ही खूबी थी, जिसे हम सब सीखे। तो ऐसे मम्मा के याद से आप सभी भले पधारे। कहना बहुत कुछ चाहती, पर देख रही हूँ भोजन का टाइम हुआ है, इसलिए आप सबका फिर से स्वागत है। स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति।